रिवॉल्यूशन बिगिन्स। दोस्तों, आज तक हम 10+2 एजुकेशन सिस्टम पढ़ते थे, जिसमें मेजरली थियोरेटिकल लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया जाता था एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल स्किल्स, और कई स्कूल्स में तो प्रैक्टिकल लैब्स भी नहीं हुआ करते थे। बट अब एजुकेशन में ऐसा रिवॉल्यूशन लाया गया है जो बच्चों के क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को टारगेट करता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पुराने 10+2 पैटर्न को हटाकर 5+3+3+4 पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले का सिस्टम कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि 6 साल की उम्र तक हम नर्सरी, जूनियर, सीनियर पढ़ते थे, और फिर 6 से 16 साल तक हमारा 1st to 10th होता था, और फिर 17 से 18 साल हमारा 12th भी ख़त्म हो जाता था। बट न्यू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें 4 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज फाउंडेशनल लेवल, जहां 3 से 8 साल के बच्चे पढ़ा करेंगे। फिर प्रिपेरेटरी स्टेज, जहां 8 से 11 ईयर्स तक बच्चे होंगे, और फिर मिडल स्टेज, जहां 11 से 14 साल, और फिर सेकेंडरी स्टेज, जहां 14 से 18 साल के बच्चे पढ़ा करेंगे। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इन चारों लेवल्स को। सबसे पहले फाउंडेशनल लेवल, ये 5 साल बच्चों का एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये 5 साल बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद ही ज़्यादा करेंगे। फाउंडेशन में पहले 3 साल, जिसे हम प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका कहते हैं, इसमें मेनली बच्चों को टॉय बेस्ड लर्निंग, पजल सॉल्विंग और कई प्रकार के खेल कूद करवाए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों को एंशिएंट गेम्स जैसे स्नेक्स एंड लेडर्स, लूडो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये 3 साल मेनली बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वो स्कूल में आने से डरे ना, बल्कि खुशी खुशी आ जाए। अब अगर हम 1st and 2nd standard की बात करें, तो यहाँ क्लास 6 में जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते थे, वो सब्जेक्ट्स 1st से ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होंगे, जैसे सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, स्पोर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन। अब प्रिपेरेटरी स्टेज की बारी आती है, जो कि 3rd standard से 5th standard तक होता है। 3rd year से एकदम शुरू हो जाएंगे, और इस स्टेज में हमें टोटल 3 लैंग्वेजेस पढ़ने होते हैं, जिसमें से इंग्लिश कंपलसरी होता है, और स्टेट लोकल लैंग्वेज, जैसे आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी लैंग्वेज, आप गुजरात में हैं तो गुजराती लैंग्वेज। इसके साथ एक और इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होता है, जो कि ऑप्शनल होता है, चाहे वो संस्कृत पढ़ सकते हो, कन्नड़ पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। और इसमें खास बात यह है कि स्टूडेंट्स अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें इंग्लिश या फिर हिंदी में ही पढ़ना होगा। ऐसा करने से बच्चे अपने मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और इन्हीं बीच पोएम्स और लेसन्स को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के ज़रिए पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन बना रहे और इफ़ेक्टिव डाउट सॉल्विंग भी हो सके। और 3rd year से एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। अब मिडिल स्टेज में आते हैं, यहाँ काफ़ी बदलाव किया गया है। इसमें हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी पढ़ाया जाएगा, जो कि बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे किसी को कुकिंग करना है तो वो कुकिंग कर सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ऐसे कई तरीके के और भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही। जनरली एज़ पर ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, हम 12th के बाद इंटर्नशिप्स किया करते थे, पर इस स्टेज में इंटर्नशिप्स हमें 6th standard से ही कंपलसरी कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों के रियल लाइफ स्किल्स बढ़ेंगे। ये काफ़ी मेजर और अच्छा चेंज है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज के बारे में, जो कि 9th से 12th standard के बच्चों के लिए है। इस स्टेज में 9th-10th में हमें कंपलसरीली 2 इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस और एक कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ना होगा, और क्लास 11th और 12th में भी हमें मिनिमम 1 नेटिव इंडियन लैंग्वेज और कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहे तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं इस स्टेज में। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स कोई भी स्ट्रीम से चूज कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहें तो उसके साथ ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकते हैं, हम बायोलॉजी के साथ कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स का भी पढ़ सकते हैं। यानी कोई भी बैरियर नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो। और इन 4 सालों में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। 1 साल में 2 सेमेस्टर, 6-6 महीने के 1-1 सेमेस्टर।
इनमें आपको 9th और 10th में टोटल 16 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और पर सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा। सिमिलर पैटर्न है 11th और 12th के स्ट्रक्चर में। हालांकि इस स्टेज के बारे में गवर्नमेंट डिटेल्स बाद में प्रोवाइड करेगी, तब हमें और क्लियर हो सकेगा कि इसका क्या पैटर्न और क्या सिलेबस होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपके 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स भी 10th में इंक्लूड किए जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड में भी 11th के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो हमें 9th और 10th और 11th और 12th कॉम्बाइन लेके चलना पड़ेगा। 9th के अलग मार्क्स और 10th के अलग मार्क्स, या फिर 11th के अलग मार्क्स और 12th के अलग मार्क्स नहीं होंगे। दोस्तों, ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्ट 1, जिसमें हमने क्लास 12 तक के पूरे चेंजेस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम UG एंड PG कोर्सेज में क्या क्या बदलाव लाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बोलिए कि कैसा था वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।